ये क्लास व्यू है इस तरह से, ये टीम एक्सप्लोरर है, अभी हम इसके टीम एक्सप्लोरर के जरिए से काम नहीं कर रहे हैं, ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारे प्रोजेक्ट के सारा सॉल्यूशन मौजूद होता है। ये ऑटो हाइड की है, इसे आप ऐसे क्लिक करें तो ऑटो हाइड होना खत्म हो जाएगा, अभी हाइड नहीं होगा बार बार। ये देखें, ये हमारा, ये आपके पास सॉल्यूशन का नेम है इरफान ट्रेवल्स एंड टूर्स, सॉल्यूशन नेम है, आप इसे बड़ा करके थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं ताकि आपकी विजिबिलिटी ज़रा वक्ती बड़ी हो जाए जी। इसकी प्रॉपर्टीज विंडो है, ये प्रोजेक्ट की क्लास असेंबली इन्फो की क्लासेज हैं, ये इसके फर्दर रिसोर्सेज हैं, और ये इसकी प्रोग्राम क्लास की फाइल है जो डिफॉल्ट में क्रिएट होती है। इसके बाद इसमें ये वो फॉर्म है जो आपके पास यहाँ ओपन हुआ पड़ा है, सबसे पहले ये फॉर्म है। हम इस प्रोजेक्ट में एक नया फॉर्म ऐड करने का तरीका भी सीखेंगे, इस फॉर्म पे भी प्रॉपर्टी सेट करने का। अब हम सबसे पहले इस फॉर्म में जो प्रॉपर्टीज हैं इनको सेट करने का तरीका सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ इसकी प्रॉपर्टी, इसे मिनिमाइज करें, प्रॉपर्टीज विंडो को ओपन करें, इसकी ऑटो हाइड की प्रॉपर्टी ऑफ कर दें। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी नेम को रीनेम करने की होती है, आप इसका मेन ट्रेवल्स एंड टूर ये राइट कर दें, इसका नेम मेन ट्रेवल्स एंड टूर। ये फॉर्म है, इसके साथ हम एफ आर एम भी यूज़ करेंगे, क्योंकि बाद बात हम कुछ और भी है ऐसे ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं ये चीज़ें, तो हमें एफ आर एम लिखने से फॉर्म को सर्च करना आसान हो जाता है। इसके बाद एक इंटर प्रेस करें, इस फॉर्म का नेम रीनेम हो गया, एक तो इस फॉर्म का नेम रीनेम हो गया, सेकेंडली सॉरी ये हमने इस ग्रुप का नेम रीनेम कर दिया है, फॉर्म का रीनेम यहाँ से होगा, फॉर्म का रीनेम मैंने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया था एफ आर एम फॉर्म, ये इसलिए प्रॉब्लम दिया कि हमने इस ग्रुप का नेम भी ये रखा हुआ है, इस ग्रुप, ये रिबन ग्रुप है, इसका नेम बस दोबारा से ये रख दे रिबन ग्रुप, क्योंकि हमने फॉर्म का नेम ये सेट करना है, फॉर्म वन का नेम हमने ये सेट करना है, यहाँ पर टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे एफ आर एम, ये फॉर्म का नेम रीनेम हो गया। इसके बाद यहाँ पर फॉर्म पे देखें टाइटल आ रहा है फॉर्म वन, बाय डिफॉल्ट में जो नाम होता है वही टाइटल आता है, टाइटल डिस्प्ले में होता है। हम इस टाइटल को चेंज करेंगे, इस टाइटल को चेंज करने के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर हमने जो है मेन, मैंने कॉपी किया हुआ था टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड टूर्स ये राइट कर दिया, ये अब इसका ये वाला चेंज होगा, इसे आप सेव कर दें, कंट्रोल ऐसे सेव कर दें, इस सेव के बटन से सेव कर दें, इसे सेव कर दें, इससे सारी की सारी एप्लीकेशन की नई चेंजेस सेव होती हैं, इससे जस्ट जो रिसेंटली फॉर्म होता है वर्किंग में उसकी चेंजेस सेव होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इस फॉर्म की ये है कि हम इस फॉर्म का विजिबल स्टार, एक तो स्टार्ट विंडो डिफॉल्ट पोजिशन की डिफॉल्ट लोकेशन की, सेकेंड हम इसका डिफ़ॉल्ट साइज हमने सेट करना है कि जब ये ओपन हो तो स्टेट क्या है, विंडो स्टेट देख रहे हैं नॉर्मल लिखी आ रही है, हमारी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, यहाँ से हम इसकी मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब इसको हम ना एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये क्या डिस्प्ले देता है, मैक्सिमाइज कर दें तो उस लिहाज पर एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट बटन पर आप क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म है आपके पास, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, ये एग्जीक्यूट होके आ गया है यहाँ, अभी ये एग्जीक्यूट होकर यहाँ पर आ गया है। इसमें देख रहे हैं आप, ये रिबन पेज है, ये रिबन पेज ग्रुप वन है। अब हम यही डिस्कस करेंगे कि रिबन पेज कैसे ऐड होते हैं, उनके ग्रुप्स कैसे ऐड होते हैं, और इनमें ये बटन कैसे ऐड होते हैं। पहले हमारा इस पर फोकस है, रिबन वाले फॉर्म की एक्टिविटी है, ये रिबन पेज वन है, आपने ऐड पेज पे क्लिक किया, ये रिबन पेज टू ऐड हो गया। इस तरह से जितने भी पेजेस आपको ऐड करने की ज़रूरत है आप ऐसे ऐड पेज करते जाएंगे तो ये रिबन पेज आपके पास ऐड हो जाते हैं।
अब जिस पेज में भी आप फर्दर ग्रुप्स ऐड करना चाह रहे हैं राइट क्लिक करें ऐड पेज ग्रुप। इस वक्त इसमें बाय डिफॉल्ट रिमूव पेज वन ऐड हुआ पड़ा है, हम इससे फर्दर ग्रुप ऐड करना चाह रहे हैं ऐड पेज ग्रुप। ये पेज ग्रुप ऐड हो गया। फर्दर आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं ऐड पेज ग्रुप, ये पेज ग्रुप ऐड हो गए, तीन पेज ग्रुप ऐड हो गए। इसी तरह से आप जिसमें भी पेज ग्रुप ऐड करना चाहें उनमें पेजेस पेज ग्रुप से आप फर्दर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, इसमें हम एक पेज में बटन्स ऐड करना चाहते हैं जो कि इसमें वर्किंग दें। साल के तौर पर जैसे यहाँ पर आपके पास एक सैंपल के तौर पर मैं दिखाता हूँ, ये एक आपका पेज है, इस पेज में ये एक पेज ग्रुप है डेफिनेशन, और इसमें ये आइटम ग्रुप से एक बटन है। जब आप आइटम ग्रुप बटन पर क्लिक करते हैं तो ये फॉर्म यहाँ आपके पास ओपन हुआ है, डिस्प्ले में आया है। इस तरह का हम इन्वायरमेंट सेट करना चाह रहे हैं, प्लस हम इनकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे कि ये इन्वेंट्री का टेक्स्ट, फॉन्ट, स्पेस, इंटरफेस, डिस्प्ले वगैरह, फॉन्ट साइज, स्टाइल, इस तरह से इसका इस पर जब कर्सर आया तो ये देखें।